Russell was also a South Indian company. तेरे मुंह पे कोकोनट गिरे। हेलो, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनाक्षी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्या नाम है इस वाटरफॉल का? इतने लंबे लंबे नाम होते हैं ना, देखिए इसका फॉल इतना तेज है ना कि हम लोग इतनी दूर खड़े हैं तो अभी इसकी बूंदें हमारे ऊपर आ रही हैं और देखने में तो इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग एक कैफ़े पर रुके हैं थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए और कॉफ़ी पीने के लिए। यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा है, देखो। Yeah, we will tell you when it okay. It will be needed. Okay. It's fine for now. Okay. Now we are almost in the ground level. So you people have experience of everything in your state, huh? All that. But there is no place in Kerala where snow falls, huh? तो केरला सिर्फ कोकोनट के लिए नहीं, पाइनएप्पल की खेती के लिए भी फेमस है। देखो, खेत भी हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे और यहाँ पर जो है अभी से रबड़ प्लांट स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें देखो आपको नीचे दिख रहा होगा रबड़ इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ पर ट्रीज़ पे ना कट लगाए जाते हैं और उसके बाद में रबड़ को इकट्ठा किया जाता है। इसके लिए कोकोनट के शेल को यूज़ किया जाता है या फिर कोई भी चीज़ जिससे रबड़ इकट्ठा किया जा सके। और यहाँ पर हर रोज़ 10 बजे सुबह रबड़ को इकट्ठा किया जाता है और फैक्ट्री के अंदर सेल किया जाता है। फ्रेंड्स, हम ना ऑलमोस्ट अपनी लोकेशन पे पहुंचने ही वाले हैं। हमने ऑनलाइन अपना होम स्टे बुक किया है लव डेल नाम से। तो फ़ोटोज़ मैंने देखी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है होम स्टे, लेकिन जाने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके का होता है। और बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ थी, व्यूज़ था और अब देखते हैं कि पहुंचने के बाद में वो कैसा होता है। और यहाँ पर ना जो कैनाल आपको दिखी है उसके कहते हैं कि एक साइड जो है मतलब कि मीठा पानी है और एक तरफ जो है सी वाटर है। एक तरफ लेक मतलब वाटर है, एक तरफ सी वाटर है। और जब जो बारिश का मौसम होता है तो उस कैनाल को बंद कर दिया जाता है ताकि जो पूरा पानी है वो नमकीन और मीठा मिक्स ना हो जाए। और जो मीठा पानी है ना उसको एग्रीकल्चर की तरह यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो है बैक वाटर्स भी हैं। तो मैं आपको ना अपनी मतलब कल जाएंगे हम हाउस बोट के लिए तो तब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि किस तरीके का जो है ये है। और अभी हम पहुँचते हैं अपने होम स्टे में। तो दोस्तों देखो, ये जो है लेक स्टार्ट हो गई है यहाँ पे और यहाँ पर ना बहुत सारी जलकुंभियाँ हैं। अभी इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है और हम भी होम स्टे पहुँच के अपने फिर जो है उनके ऑनर से पूछेंगे कि ये क्या है, फिर मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि ये क्या होता है। तेरे मुंह पे कोकोनट गिरेगा। मैं क्या कहूँगा बता, किसमें? अगर तेरे मुंह पे कोकोनट गिरा, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा गिर भी गया। जान छूटी। अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। चक्कर आ रहे हैं मुझे इस पे, मुझे झूलों पे चक्कर आते हैं ना। देखो ये बेल, देखो कैसे पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है ये देखो। और यहाँ पर ये है लेक व्यू, देख रहे हो आप? अगर तो नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं, देख लो। हम आए हैं एलपी में अभी होम स्टे में, नाम है लवडेल। और यहाँ पर मस्त नज़ारा, बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप बने हुए हैं होम स्टे।
और मेरा बिल्कुल बात करने का मन नहीं कर रहा वीडियो बना के, इसलिए मैं थोड़ा इन्जॉय कर ली हूँ। फ्रेंड्स अभी हम जिस होटल में मतलब हम होम स्टे में रुके हैं ना, बिल्कुल ये टिपिकल केरला स्टाइल जो है होम स्टे है। मैं आपको बैक वीडियो से दिखाती हूँ अभी, मतलब बैक कैमरा से दिखाती हूँ पीछे का सारा वो। और अभी मुझे एक पता, इतना जंगली सा चीता था उसने काटा मेरे पूरे पैर में, झंझनाहट हो गई, तो बहुत बच के रहना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स हमसे। तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, कज़न बाहर बैठा वो भी दिखाती हूँ। तो देखो दोस्तों, ये बिल्कुल एक टिपिकल केरला स्टाइल कमरा है, मतलब कि इतना सुंदर होम स्टे, और कमरे के अंदर रहने का मन ही नहीं कर रहा, बाहर जाने का मन कर रहा है। इसकी दरवाजे खिड़कियाँ बिल्कुल एक टिपिकल केरला स्टाइल का ही है, मतलब बहुत पुराना जो स्टाइल था ना वैसा। और यहाँ पर ना एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही मतलब पीस है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। चिड़ियों की चहचहाट और लेक का व्यू, आह मज़ा आ रहा है बिल्कुल। क्या यहाँ पे लेक साइड पे बिल्कुल ही टिपिकल केरला स्टाइल खाना, तो फ्रेंड्स दोपहर हो रखी है, मतलब बज रहे हैं 2:30-3 बजे के आसपास, और हमने अभी अपना लंच किया है। होम स्टे वालों ने हमें जो है लंच प्रोवाइड किया है, मतलब कुछ अमाउंट होता है लंच का, ब्रेकफास्ट का, ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है और डिनर का आपको कुछ अमाउंट लगता है। तो हमने अभी लंच किया है, उसके बाद में मुझे छोटी सी प्यारी सी कैट दिखी और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। देखो गगन तो उसके पास पहुँच भी गए हैं वीडियो बनाने के लिए, और मेरा सच में ना होम स्टे के अंदर जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर बैठ के, और गर्मी बहुत है। मुए, मुए। कल मैनु एक कुड़ी मिली जिदे गल्ला दे विच टोए, मुए 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 मुए। देखो सामने होम स्टे से कितना सुंदर व्यू है, लगातार हाउस बोट चल रही है और बहुत ही शानदार नजारा है। हेलो, वीडियो अच्छा लगा होता है तो लाइक भी करना होता है, लाइक कर दो जल्दी जल्दी। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं एलएपी में, मतलब एलएपी में ही है हाउस बोट के लिए अभी, और सामने का नज़ारा देखो, पीछे लेक व्यू है, और ये था हमारा होम स्टे, था क्या आज भी यहीं पे ही है, बहुत ही मस्त लोकेशन। सीप निकालते हैं ऐसे इसमें से मछलियाँ, सीप ये सब कुछ, ये वाली स्टीमर लेके, और यहाँ कितनी सारी बटरफ्लाइज हैं। इस तरीके से सीपों को साफ किया हुआ है, वो जो छोटे छोटे सीप होते हैं वो अलग कर लेते हैं, और जो बड़े सीप होते हैं वो अलग कर लेते हैं लोग। ये वाला स्टीमर लेके जाते हैं लोग सुबह सुबह, आज जब हम सुबह उठे थे तो ये सब लोग लौट रहे थे स्टीमर करके। तो पहली बस ट्रैवल है हमारी यहाँ की एलएपी में, हम जा रहे हैं बोट हाउस यहाँ के बस स्टैंड के पास में, वहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों क्या बोलते हैं हाउस बोट्स मिलते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे कौन सा हमें कन्वीनियंट है, वो हम सेलेक्ट करेंगे तो जाएंगे। आज पूरा दिन हम हाउस बोट में बिताने वाले हैं, उसके बाद हम यहाँ के लोकल बीच भी जाएंगे, देखते हैं अभी।
तो गाइस एलएपी जाने के लिए हमने लोकल बस का इस्तेमाल किया और बस यहाँ पर देखकर हम सोच रहे थे कि इसके अंदर तो शीशे ही नहीं है और अभी कितनी पुरानी बसेस चल रही हैं केरला के अंदर। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखो किस तरीके की बस है और बारिश वगैरह आती होगी तो किस तरीके से मैनेज करते होंगे मुझे समझ में नहीं आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ऐसे ही मिलता रहे। अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में जहाँ पर आपके साथ मैं शेयर करूँगी हाउस बोट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।